नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक नॉलेज चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हरियाली तीज के पीछे पौराणिक मान्यता क्या है और इसे क्यों मनाया जाता है। वीडियो को आखिर तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको हमारे चैनल के नए नए अपडेट्स मिलते रहें। इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें। तो चलिए शुरू करते हैं। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज मनाई जाती है। इस साल हरियाली तीज 19 अगस्त 2023 को है। हरियाली तीज का पर्व सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत मायने रखता है। इस दिन सुहागिनें निर्जला व्रत रखती हैं और माँ गौरी की पूजा करती हैं। पति की लंबी उम्र और सुखी जीवन के लिए महिलाएं इस दिन भगवान शंकर और माँ पार्वती की पूजा करती हैं। वहीं कुंवारी लड़कियां भी सुयोग्य वर पाने के लिए हरियाली तीज का व्रत रखती हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि हरियाली तीज का व्रत सबसे पहले किसने रखा था? आइए जानते हैं इसके बारे में कि सबसे पहले हरियाली तीज का व्रत किसने रखा था और क्यों मनाया जाता है ये पर्व। पौराणिक मान्यता के अनुसार हरियाली तीज का व्रत सर्वप्रथम राजा हिमालय की पुत्री पार्वती ने रखा था, जिसके फलस्वरूप उन्हें शंकर जी पति के रूप में प्राप्त हुए। इसलिए हरियाली तीज पर कुंवारी लड़कियां भी व्रत रखती हैं और अच्छे वर की प्राप्ति के लिए माता पार्वती से प्रार्थना करती हैं। सुहागनें इस दिन उपवास रखकर माता पार्वती और शिवजी से सौभाग्य और पति की लंबी उम्र की प्रार्थना करती हैं। ऐसी मान्यता है कि हरियाली तीज के दिन ही शिवजी ने देवी पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार करने का वरदान दिया। इसलिए कहा जाता है कि इस दिन जो भी कन्या पूरे श्रद्धा भाव से व्रत रखती हैं, उसके विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और मनचाहा वर मिलता है। महिलाएं इस तरह रखती हैं हरियाली तीज का व्रत। हरियाली तीज पर दिन भर निर्जला व्रत रखा जाता है, फिर शाम के समय विधि विधान से माँ पार्वती और शिवजी की पूजा की जाती है। पूजा के साथ ही महिलाएं कथा सुनती हैं। कथा समापन के बाद महिलाएं माँ गौरी से अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। इसके बाद घर में उत्सव मनाया जाता है और भजन व लोकगीत गाए जाते हैं। यह व्रत करवा चौथ से भी ज़्यादा कठिन होता है। महिलाएं पूरा दिन बिना भोजन और जल के ग्रहण किए बिना रहती हैं और दूसरे दिन सुबह स्नान और पूजा के बाद व्रत का पारण करती हैं। चलिए जानते हैं हरियाली तीज की परंपरा के बारे में। हरियाली तीज के दिन हरे वस्त्र, हरी चुनरी, हरी चूड़ियां, 16 श्रृंगार, मेहंदी के साथ ही झूला झूलने की परंपरा भी है। इस दिन लड़कियों के मायके से श्रृंगार से जुड़ी चीज़ें और मिठाइयाँ आती हैं। नवविवाहित महिलाओं के लिए यह पर्व बहुत ही खास होता है। दोस्तों, ये थी जानकारी कि हरियाली तीज की पौराणिक मान्यता क्या है और इसकी परंपरा क्या है। वीडियो की जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।